माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बीएसएससी 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूं। राम बली सिंह यादव, नमस्कार। एयरलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार बीएसएससी इंटर स्तरीय 2014 में जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसको लेकर छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, वो पटना की सड़कों पर लगातार आंदोलनरत थे। अब इसका आवाज जो है बिहार विधानसभा पहुंच चुका है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। संदीप सौरभ जो लगातार छात्रों की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरा करते थे और उतरते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। पहले सुनिए संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है सदन के अंदर, सवाल में उनका क्या कुछ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली को 2014 से लटका कर रखा गया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद काउंसलिंग नहीं की जा रही है। सफल अभ्यर्थी अवसाद से ग्रस्त हो रहे हैं। बीएसएससी 2014 के लिए अविलंब काउंसलिंग की मांग करता हूं। श्री राम बली सिंह यादव, आपने सुना संदीप सौरभ पालीगंज से विधायक है, छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर रहते हैं संदीप सौरभ, और उन्होंने बीएसएससी के मुद्दे को उन्होंने विधानसभा के अंदर उठाई है। लगातार हमने आपको दिखाया है किस तरीके से पटना की सड़कों पे अलग अलग धरना स्थल पे, और आप अमूमन जब जाएंगे गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वहाँ पे छात्र जो है हमेशा धरना पे बैठे होते हैं अपने मांगों को लेकर। काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। 2014 में वैकेंसी आई थी, तब से उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे लाठियां खाते हैं, शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हैं, उनसे अपनी हक और हुकूक की को लेकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाती है। अमूमन पुलिस जो है उन पे लाठियां बरसाती है। लगातार सड़कों पर रहते हैं अभ्यर्थी, और आज सदन में एक बड़ा सवाल लगातार इस सड़कों पर था जो आज सदन पहुँचा है। संदीप सौरभ जो पालीगंज से विधायक है माले के, उन्होंने उठाई है, सवाल किया है सरकार से, जवाब मांगा है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। एक छात्र का जीवन कैसा होता है, इसको लेकर लगातार संदीप सौरभ जो है सड़कों पे रहते हैं, छात्रों के मुद्दों को लेकर सड़क पे रहते हैं, और आज उन्होंने सदन के अंदर, शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, और उन्होंने छात्रों की आवाज़ को बुलंद किया है और सदन के अंदर जो है सवाल किया है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाए। आपने पूरे सवाल में सुना किस तरीके से सदन के अंदर संदीप सौरभ ने अपनी बातें जो है वो रखी है। इस खबर में इतना ही, देखते हैं लंच बिहार। नमस्कार।